रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और यूक्रेन पर हो रहे रूस के हमलों से तबाही लगातार जारी है। यूक्रेन के कई शहरों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। इन शहरों में कुछ दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब हर तरफ बर्बादी का आलम पसरा हुआ है। लेकिन रूस के हमले कम होने की बजाय अब धीरे धीरे और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं और आशंका तो ये जताई जा रही है कि रूस 9 मई को कुछ बड़ा कर सकता है और इसी आशंका की वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर से दहशत में है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। कई शहरों में भीषण बर्बादी। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान। क्या करने वाला है रूस? चौबीस फरवरी से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब नया मोड़ ले सकता है। पूरी दुनिया में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे पर रूस यूक्रेन पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है और 9 मई की तारीख पास आने से पहले रूस ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। कुछ समय पहले रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमले कम कर दिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके ये हमले अचानक तेज हो गए हैं। साथ ही यूक्रेन की राजधानी पर भी कई मिसाइलें दागी गईं। रूस के इन हमलों ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। हर तरफ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आईं। हालांकि इन हमलों के दौरान रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई सैनिक मारे गए। खबर है कि इन हमलों में रूस के 3 टैंक तबाह हो गए, जबकि 8 तोपखाने भी तबाह होने का दावा किया गया। साथ ही यूक्रेन की सेना ने रूस के 4 रॉकेट लॉन्चर भी बर्बाद कर दिए। इन हमलों में रूस की 7 बख्तरबंद गाड़ियां और कुछ इंजीनियरिंग यूनिट भी तबाह हो गईं। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के 14 ड्रोन भी मार गिराए। सीएनएन की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि रूस की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन विक्ट्री डे के दिन बड़ा कदम उठा सकते हैं। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि पुतिन ने रूसी सेना के जनरलों को करो या फिर मरो का आदेश भी दे दिया है, ताकि वो जल्द से जल्द यूक्रेन में अपनी कोशिश को कामयाबी तक पहुंचा सकें। और यही वजह मानी जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और माना जा रहा है कि रूस 9 मई से पहले यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकता है, ताकि विक्ट्री डे परेड के दिन वो इसे अपनी जीत की तरह दुनिया भर के सामने पेश कर सके। यूक्रेन के पलटवार ने बढ़ाई रूस की मुश्किल। रूस को बड़े नुकसान का दावा। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इसी तरह के एक वीडियो में रूस की सेना का एक टैंक खेतों के पास खड़ा दिखाई दिया और यूक्रेन की सेना के एक ड्रोन ने इस टैंक पर निशाना साधा और पलक झपकते ही इसे तबाह कर दिया। ड्रोन से हमलों में जुटी यूक्रेन की सेना। रूस की मिसाइल तबाह। जबकि इसी तरह के एक और वीडियो में रूसी सेना की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। इस मिसाइल को भी ड्रोन हमले की मदद से ही तबाह किया गया। यूक्रेन के खार्किव इलाके से रूस के एक टैंक की तस्वीर भी सामने आई। इन तस्वीरों में जंगलों के बीच खड़ा रूस का एक टैंक पूरी तरह जलकर राख हो गया। रूस के टैंकों पर यूक्रेन की नजर।
ड्रोन हमलों में रूस के कई टैंक बर्बाद। यूक्रेन की सेना के जारी किए गए एक और वीडियो में रूस की सेना के 3 टैंकों में आग लगी दिखाई दी। ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में खेतों के बीच खड़े ये टैंक पूरी तरह बर्बाद नजर आए। बताया गया कि रूस के इन टैंकों को ड्रोन की मदद से उड़ा दिया गया। यूक्रेन से सामने आ रही इसी तरह की तस्वीरें पुतिन की परेशानी बढ़ा रही हैं, जबकि जर्मनी के यूक्रेन को हथियारों की मदद के ऐलान ने उनकी मुश्किल को और बढ़ा दिया है। स्लोवाकिया के दौरे पर गई जर्मनी की रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को 7 होवित्जर तोपें देने का ऐलान किया है। यही वजह है कि विक्ट्री डे परेड से पहले पुतिन कुछ भी करके यूक्रेन को बड़ा जवाब देने की कोशिश में हैं, और माना जा रहा है कि रूस के ताजा हमले उनकी इसी कोशिश का एक हिस्सा हैं। और महायुद्ध का आज 73वां दिन है, और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां कहां पर भीषण जंग इस वक्त चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह पर जबरदस्त हमले लगातार कर रही है, और मैप के जरिए समझने की कोशिश भी कीजिए आखिर रूसी सेना कहां कहां पर किस तरीके से टारगेट सेट कर रही है पूरे यूक्रेन में। ये तमाम क्षेत्र जो लाल रंग से आप देख रहे हैं, मिकोलाइव की बात करें, ओदेसा जो कि सीधे सीधे ब्लैक सी से लगता है, कीव की बात करें, खारकीव की बात करें, ज्यूम की बात करें, ज़ापोरिज़्या की बात करें, मारियोपोल की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। और ठीक सटी हुई आप रूस की सेना को भी या रूस को भी देख पाएंगे, तो रूस की सेना के लिए इन क्षेत्रों को कवर अप करना बेहद आसान हो जाता है। हालांकि यहां तक भी जरूर पहुंची थी रूस की सेना, इन तमाम क्षेत्रों में कीव के अगल बगल और लीव तक भी जरूर पहुंची थी, लेकिन इन क्षेत्रों पर वो कब्जा नहीं जमा पाई, क्योंकि यहां तक पहुंचने तक उनके पास जो गोला बारूद था, जो बाकी साजो सामान था, हथियार जो थे, वो खत्म हो गए थे। और इसी वजह से उनको जब वापस लौटना पड़ा तो अब ये तमाम जो क्षेत्र है ये इसके कब्जे में है। और यही रणनीति लेकर अब धीरे धीरे रूस भी आगे बढ़ रहा है कि जो छोटे इलाके हैं जो उसकी सीमा से लगते हैं उनको अगर वो अपने कब्जे में कर लेगा तो उसके बाद उसके लिए आगे बढ़ना और यूक्रेन के बाकी शहरों को कवर अप करना बेहद आसान हो जाएगा। इसमें जो जरूरी क्षेत्र है वो ज़ापोरिज़्या का क्षेत्र है, मारियोपोल का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, मिकोलाइव और ओदेसा, साथ साथ जहां पे कई सारे पोर्ट्स हैं और कई सारे हथियार भी यहां पर इकट्ठा किए हुए हैं सी रूट के जरिए भी। यहां पर किस तरीके से अब लगातार कब्जा रूस का धीरे धीरे इन तमाम क्षेत्रों पर होता दिख रहा है, और धीरे धीरे अब कई सारे क्षेत्र उसके कब्जे में आ चुके हैं। वहीं अगर रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडहर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यूक्रेन ये दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,900 सैनिकों की मौत हो गई है, तो वहीं रूस की 2,686 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। और इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,100 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं, और यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 199 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। यूक्रेन ने रूस के 502 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा किया है, तो कई तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। और 2 महीने से भी ज्यादा अभी लंबी ये जंग चल गई है, और ये जंग जब शुरू हुई तब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सोच रहा था कि पाबंदियों की बदौलत रूस की कमर तोड़ी जा सकती है, लेकिन जंग जैसे ही आगे बढ़ी वैसे वैसे पुतिन प्रतिबंधों पर न सिर्फ एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं, बल्कि अपने देश की करेंसी को भी मजबूत करने में कामयाब हुए हैं। और आखिर कैसे रूस ने जंग के बीच अपने आर्थिक ढांचे को दुरुस्त किया, और दावा किया जाता है कि इस सवाल का जवाब चीन और रूस के बीच हुई इस सीक्रेट एनर्जी डील में छिपा हुआ है, जिस डील को जंग के ठीक पहले किया गया था। दुनिया सोच रही थी कि जंग में रूस तबाह हो जाएगा, दुनिया सोच रही थी कि पाबंदियों का प्रहार रूस की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा, दुनिया सोच रही थी कि यूरोप और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूस की करेंसी को बर्बाद कर देंगे, दुनिया सोच रही थी कि रूस के विरोधियों का कदम पुतिन पर भारी पड़ेगा। लेकिन अगर तस्वीर दर तस्वीर से कयासों की धूल को साफ करें तो पुतिन के विरोधियों का ये सोचना अब तक बिल्कुल गलत ही साबित हुआ है। बताया जा रहा है कि पुतिन जंग से पहले ही जंग के नफे और नुकसान को समझ चुके थे, लिहाजा उन्होंने इस जंग के बीच का मास्टर प्लान 24 जनवरी यानी कि जंग की तारीख से पहले ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जंग शुरू होने से पहले पुतिन ने मनोवैज्ञानिक तौर पर किन किन चीजों से निपटने का मास्टर प्लान
तैयार की 89,300 करोड़ की थी। इतना ही नहीं, जंग के सभी हालात का आंकलन करते हुए दोनों देशों ने व्यापार और गैस सप्लाई को लेकर भी अहम कदम उठाए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में चीन और रूस के बीच व्यापार 28.7% बढ़ा है, जबकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 2022 के शुरुआती चार महीने में रूस ने चीन को 60% ज्यादा गैस निर्यात की है। ये रूस पुतिन की दूरदर्शी सोच ही है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज करने के बाद रूस पर प्रतिबंधों की चौतरफा मार पड़ने लगी, जिसका असर रूस पर कुछ यूं हुआ। रूस की 2,30,000 करोड़ की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया, रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। मतलब विश्व में कारोबार के लिए जो सिस्टम था उसे रूस के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। एक डॉलर के मुकाबले लगभग 150 तक रूबल को पहुंचा दिया गया। प्रतिबंधों की इस मार के बारे में पुतिन पहले ही जानते थे। यही वजह थी कि उन्होंने जहां चीन जैसे ताकतवर देशों के साथ अपने संबंधों को और ताकत दी, वहीं रणनीति स्तर पर कुछ और भी बेहद कदम उठाए, जिनकी वजह से जंग के इस दौर में रूसी अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली। रूस ने ब्याज दरों को 20% तक बढ़ा दिया, रूबल को कंट्रोल करने के लिए अहम कदम उठाए। इतना ही नहीं, यूरोप, चीन, भारत, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया को रूस ने लगातार नेचुरल गैस सप्लाई की। ये सब कुछ ऐसे वक्त में रूस ने किया जब उस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन रूस के विरोधी देशों की मजबूरी ये थी कि वो नेचुरल गैस को लेकर रूस पर निर्भर थे। रूस ने इसी निर्भरता को हथियार बनाया और विरोधियों को अर्थव्यवस्था का वो पाठ पढ़ाया कि गोले बारूद के दौर में दुनिया रूबल की ताकत के रहस्यों को तलाश रही है। और 9 मई यानी रूस के विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन ने कई टारगेट सेट कर रखे हैं, और उन्हीं में से एक टारगेट है मारियुपोल शहर का अजोवस्ताल स्टील प्लांट। अभी तक रूस की तरफ से ये शहर के कई सारे इलाकों पर तो कब्जे का दावा किया गया है, लेकिन इस विशालकाय स्टील प्लांट में रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन के सैनिक अभी भी लोहा ले रहे हैं, और यही वजह है कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट की जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन ने हमलों को और ज्यादा प्रचंड कर दिया है। प्लांट पर कब्जे की तैयारी। प्रचंड हमलों से दहला अजोवस्ताल प्लांट। प्लांट पर बम और बारूद की बारिश। पुतिन का 9 मई का टारगेट सेट है। कैलेंडर की तारीखें बदल रही हैं, घड़ी के कांटे लगातार घूम रहे हैं। समय का यह पहिया यूक्रेन पर किस कदर भारी पड़ा है, इसे समझने के लिए मारियुपोल शहर और वहां के अजोवस्ताल स्टील प्लांट का हाल समझना होगा। ये उस मारियुपोल शहर की तस्वीरें हैं जहां जंग के दानों ने पैर नहीं पसारे थे। एक खिलखिलाता हंसता खेलता शहर। और ये तस्वीरें उस स्टील प्लांट की हैं जहां 12,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। अब से कुछ रोज पहले तक न सिर्फ ये प्लांट 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों का घर था, बल्कि इसी विशालकाय प्लांट में स्कूल, थिएटर, हॉस्पिटल और पार्क जैसी सुविधाएं थी। इतना ही नहीं, जंग के हालात से बचने के लिए इस प्लांट में न्यूक्लियर बंकर भी बनाए गए थे।